अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ भिंडी दो प्याज़ा की रेसिपी। भिंडी सभी को पसंद आती है, बच्चे से लेकर बड़े तक इसे बहुत पसंद करते हैं। इसे हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे, जो बहुत ही आसानी से और टेस्टी बनती है। तो चले हम इसे बनाना शुरू करते हैं। एक पैन मैंने गरम कर लिया, इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे। भिंडी मैंने अच्छी तरीके से धोकर इसे सुखा लिया, फिर इसे बड़े टुकड़ों में कट कर लिया, इसे डाल देंगे। चला लें, इसे चलाते हुए थोड़ा फ्राई कर लें। भिंडी फ्राई हो चुकी है, फ्लेम मीडियम रखें, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में एक प्याज मैंने बड़े साइज का लिया था, जिसे चौकोर टुकड़ों में काटा है, इसे भी हल्का सा सॉटे कर लेंगे। प्याज भी हमारा हो चुका, इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। इसी बचे हुए तेल में मैंने एक बड़े साइज का प्याज रफली चॉप किया, इसे डाल देते हैं। एक हरी मिर्च डाल देंगे, इसे थोड़ा भून लेंगे, इसका कलर चेंज हो गया। 2 बड़े साइज का मैंने टमाटर लिया है, इसे भी इसमें डाल देंगे। साथ में मिलाकर भून लें। टमाटर का कच्चापन दूर होने तक इसे हम भून लेंगे। देखिए, इसका टमाटर का कच्चापन दूर हो गया। फ्लेम बंद कर दें, इसे प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लें, फिर जार में डालकर इसे फाइन पेस्ट बना लें। अब चलते हैं मसालों की प्रोसेस की तरफ। इसी पैन में ऑयल डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा, मेथी आधा चम्मच, अजवाइन आधा चम्मच। मेथी अजवाइन जो है ना, ये भिंडी दो प्याज़ा के फ्लेवर को बहुत इन्हेंस कर देती है। जैसे ही यह अच्छी तरह पफ हो जाए, फिर इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच डाल देंगे। इसे थोड़ा सा भून लें, इसका कच्चापन दूर करने के लिए। कच्चापन इसका दूर हो चुका है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरीके से मिला लें, 2-4 सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं वरना जल जाएंगे। अब इसमें जो हमने प्याज और टमाटर की ग्रेवी तैयार की थी, उसे मिला देंगे। इसे चलाते हुए थोड़ा भून लें। काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, इसे मिला लेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इसे मिलाते हुए अच्छी तरीके से पूरे ग्रेवी को भून लेंगे। हमारी ग्रेवी लगभग भून करके रेडी हो ही चुकी है। इसमें भिंडी डाल देंगे, अच्छी तरीके से मिला लें पूरे ग्रेवी में। थोड़ी देर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। इसका पानी भी ड्राई हो चुका है, अब इसमें
सौटे किए हुए प्याज भी डाल देते हैं। अच्छी तरीके से मिला लेंगे। पानी सूख चुका है, इसके ऊपर अब हम आधे नींबू का रस डाल देंगे। मिला लें, इसे अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। हमने भिंडी को पहले से सेमी फ्राई किया हुआ था तो भिंडी जल्दी ही पक गल जाएगी। फ्लेम लो कर देंगे। यहाँ पे हम भिंडी को चेक कर लेते हैं, हाथ से तोड़ कर देख लें। देखिए हमारी भिंडी बिल्कुल गल चुकी है। इसके ऊपर थोड़े से चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे। भिंडी दो प्याज़ा की सब्ज़ी बिल्कुल बनकर रेडी है। फ्लेम बंद कर देंगे। हमारी सब्ज़ी रेडी है, अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। भिंडी की सब्ज़ी तो आपने बहुत तरह से खाई होगी, आप मेरे इस तरीके से बनाएं चटपटा मसाला भिंडी दो प्याज़ा। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।